अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। माई सेल्फ डॉक्टर फैज अहमद वानी, आई डिड डॉक्टरेट्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल्सो आई हैव क्वालिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम। सो माई डियर स्टूडेंट्स, टुडे जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंडियन जुडिशरी। तो आज हम इंडियन जुडिशरी के बारे में बात करेंगे, लेट अस हियर। तो देखो माई डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग को मालूम है जो ऑर्गेनिज ऑफ गवर्नमेंट है, ऑर्गेनिज ऑफ गवर्नमेंट जो है इसमें तीन ऑर्गेनिज मेनली है, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अंडरस्टैंड? तो जैसे कि गवर्नमेंट के तीन ऑर्गेनिज है, एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशरी। तो आजकल के दौर में, मॉडर्न टाइम्स में, एक चौथा ऑर्गन भी है जिसको हम कहते हैं प्रेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आज इस थर्ड ऑर्गन के बारे में, हमें आज डिस्कस करना है किसके बारे में, थर्ड ऑर्गन के बारे में, दैट इज जुडिशरी। तो लेट अस वी विल डिस्कस हियर इंडियन जुडिशरी। तो ये जुडिशरी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, सो वी विल डिस्कस हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इंडियन जुडिशरी इज कंसिस्टेंस, दैट इज इंटीग्रेटेड। जो इंडियन जुडिशरी है वो क्या है, वो है इंटीग्रेटेड। तो पहले हमें इंटीग्रेटेड जुडिशरी को समझना है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है क्या? हमारे पास ड्यूअल जुडिशरी इंडिया में नहीं है, हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब यहां पे मैं समझाऊंगा आपको, वो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो जितनी जो जुडिशरी है उसमें जो टॉप है दैट इज सुप्रीम कोर्ट। तो इसके जो डाउन है, इससे डाउन वो क्या है, वो है हमारा हाई कोर्ट्स, और इससे डाउन वो क्या है, दैट इज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ये जो टॉप है हमारा वो क्या है, हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो उससे डाउन क्या है, हाई कोर्ट। तो उससे डाउन क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ऐसे ये एक लैडर बन जाती है, टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, डाउन हाई कोर्ट, और उससे डाउन क्या, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये जो कोर्ट्स यहां पे बन गई, एक लैडर बन गई, बट ये लैडर एक सिंगल लैडर बन गई। क्या बन गई, सिंगल लैडर। तो इसीलिए हम कहते हैं जो इंडियन जुडिशरी है यह है इंटीग्रेटेड। क्यों, यह है एक सिंगल, क्या है, सिंगल, एक हायरार्की है यहां पे। हायरार्की में टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, डाउन पे हाई कोर्ट, और उससे डाउन क्या है, बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो यहां से आप लोग को समझ में आ गया, जो पहला पॉइंट है हमारा, इंडियन जुडिशरी इज इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेड का मतलब यहां पे यह है, हमारी जुडिशरी जो है यह है सिंगल जुडिशरी। नाउ अब जो हमारा क्वेश्चन है, सर हमारे देश में डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट हाई कोर्ट्स भी है, तो हम ये अज्यूम करेंगे हमारे स्टेट में जो कोर्ट्स होते हैं तो, और हमारे सेंटर में जो दिल्ली में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो ये ड्यूअल बन गई। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है हमारे पास ड्यूअल जुडिशरी है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी हाई कोर्ट्स हमारे देश में आज है, दे आर वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दे आर नॉट सेपरेट कोर्ट्स। ओके, तो सेकंड पॉइंट, दीज हाई कोर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल, इफ अगर हम बात करेंगे जो इंडिया में आज 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं, इसे कितने बन गए टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हमारे, वो बनते हैं 36। तो इसका मतलब है अगर इंडिया में ड्यूअल जुडिशरी होगी तो यहां पे 36 हाई कोर्ट्स होने चाहिए। तो लेकिन हमारे पास कितने हाई कोर्ट्स हैं आज, हमारे पास खाली आज 25 हाई कोर्ट्स हैं। तो इसका मतलब है दो स्टेट और तीन स्टेटों को भी एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, और वो है भी। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, तो एक ही हाई कोर्ट है। तो ये किस अमेंडमेंट में कहा गया है, ये 7th अमेंडमेंट में कहा गया है, दो स्टेटों तीन स्टेटों को एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। तो किस अमेंडमेंट में हमने ये कहा, 7th अमेंडमेंट में। तो काफी बार ये यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, हाई कोर्ट एक स्टेट के अलावा दो स्टेट को भी हो सकता है। तो किस अमेंडमेंट में, 7th अमेंडमेंट में, जो कब हुआ, 1956 एक्ट। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत इंटीग्रेटेड के बारे में पता चल गया। तो हमारी जुडिशरी जो है ये है सिंगल जुडिशरी। तो इंडिया में क्या है, सिंगल जुडिशरी, इंटीग्रेटेड मीन्स सिंगल। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट इज जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, यहां पे जो दिस पॉइंट दैट इज जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी मैंने अभी कहा आप लोगों को, दैट इज बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर मैं बात करूंगा, कल आपको एग्जाम में आ गया
जुडिशरी ये हमने कहां से बोरो किया? आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बैग ऑफ बोरोइंग। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारे स्टेटों से बोरो किया है, तो यहां पे हमें देखना है जो जुडिशरी है ये हमने कहां से बोरो किया है। तो ये हमने बोरो किया है माय डियर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ओके, लेकिन एक चीज याद रखना है, जो हमारे देश में, जो हमारे संविधान में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कंसेप्ट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहां से लाए? ये बारो हमने की यूएसए से। तो कभी कंफ्यूज मत होना, अगर कल क्वेश्चन आया जुडिशरी हमने कहां से बारो की, तो वो हमने बारो की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन आया इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने कहां से बारो की, तो वो हमने बारो की है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यूएसए से। ओके, और इसके बाद जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट एनफोर्स किया है 26th of November 1950, उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हमने एस्टैब्लिश किया है 28th of January 1950 को। लेकिन एक चीज है यहां पे, जब हमने इसको एस्टैब्लिश किया है 28th of January 1950 को, तो इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, इसकी जो स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, उस टाइम इसकी स्ट्रेंथ खाली 8 जजेस थी। कितनी? 8 जजेस। लेकिन अगर मैं आज बात करूंगा, आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में है 34 जजेस। लेकिन याद रखना 8 जजेस अलोंग विद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और आज है 34 जजेस अलोंग विद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो विदाउट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर हम बात करेंगे तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में आज 33 जजेस है। ओके, तो इसके बाद अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा, जो हमने एस्टैब्लिश के वक्त उस टाइम खाली 8 जजेस हमारे सुप्रीम कोर्ट के थे, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम आज देख लेंगे, आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस है। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसकी स्ट्रेंथ टाइमली चेंज हो गई, 1956 में 10 हो गए, 1960s में फिर 14 हो गए, 16s 8 में 14 हो गए, उसी के बाद 26 हो गए, उसी के बाद 31 हो गए, और आज कितने हैं? 34। बिकॉज आप लोग को मालूम है डे बाय डे वर्क लोड भी इंक्रीज हो जाता है, तो इसीलिए ये 8 से कहां तक पहुंच गया? 34 जजेस तक। तो कभी कंफ्यूज मत होना, आप लोग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है पहले कितने जजेस थे अलॉन्ग विद चीफ जस्टिस, दैट वाज 8। तो आज कितने हैं हमारे प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में, प्रेजेंटली कितने जजेस हैं? वो है 34 जजेस। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पे बात करूंगा, सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है, ये हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम इसको ढूंढ लेंगे तो कहां पे ढूंढ लेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको ढूंढना है इसको पार्ट 5 में। कहां पे? पार्ट 5 में ढूंढना है। तो अगर आप देखेंगे तो इसका आर्टिकल कहां से कहां तक आता है, तो इसका जो आर्टिकल है माय डियर स्टूडेंट्स 124 से लेकर 147 आर्टिकल तक। पार्ट 5 आर्टिकल 124 to 147। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। अभी तक ये इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन थी, अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट के बारे में। इसके बारे में हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं और आएंगे भी, तो यहां से आप लोग क्लियर कंप्लीट फोकस करोगे तो हम देखेंगे हम जजेस को कैसे अपॉइंट करते हैं इंडियन जुडिशरी में। ओके, देखो माय डियर स्टूडेंट्स अगर मैं जजेस की बात करूंगा या इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करूंगा, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चाहे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, इन सबको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन एक चीज यहां पे याद रखना है, खाली प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट नहीं करता है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करना होगा उस टाइम प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है कुछ जजेस को, कुछ सुप्रीम कोर्ट के और कुछ हाई कोर्ट के, जो उसको जरूरी लगेगी, तो उन जजेस को कंसल्ट करके पहले वो किसको अपॉइंट करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और सेकंड, जब जजेस की बारी आती है, जब बाकी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जब अपॉइंट होते हैं तो उनको भी अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन
जब प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है तो, लेकिन वहां पे एक चीज याद रखना है, विथ कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. मीन्स जब बाकी जजों को हम अपॉइंट करते हैं, जब प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है तो उस टाइम प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को और भी कुछ जजेस जो उसको जरूरी लगते हैं. लेकिन इस कंसल्टेशन पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है इंडियन हिस्ट्री में. अगर मैं देख लूंगा फर्स्ट जजेस केस से लेकर फोर्थ जजेस केस तक 2015 तक काफी कंट्रोवर्सी हो गई, लेकिन फाइनली ये बात भी कंप्लीटली डिसाइड हो गई, ये जो कंसल्टेशन प्रेसिडेंट की होगी किसको कंसल्ट करना है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को. ये कंसल्टेशन ऑब्लिगेटरी है, ये कंसल्टेशन जरूरी है. विदाउट कंसल्टेशन ही कांट अपॉइंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो इट मींस आप लोग को मालूम ही है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ही इज नॉमिनल है, बट ही इज अपॉइंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. और जो इसकी कंसल्टेशन है वो क्या है, दैट इज ऑब्लिगेटरी. ओके, तो इसीलिए यहां पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो आप लोगों ने अपॉइंटमेंट अब देख ली, जजेस को कौन अपॉइंट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वालिफिकेशन. देखो अभी तक प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन, जब हम प्रेसिडेंट पढ़ते हैं तो प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन हम लिखते हैं या याद रखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की, लोकसभा मेंबर्स की, राज्यसभा मेंबर्स की. उसी तरीके से आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन जुडिशरी के बारे में. तो यहां पे हम डिस्कस करने वाले जो क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस है, कौन किसके जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस. तो यहां पे आप लोग को याद रखना है सुप्रीम कोर्ट की जज की जो पहली क्वालिफिकेशन है उसमें क्या आपको याद रखना है, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया. क्या मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजन ऑफ इंडिया जरूरी होना चाहिए. लेकिन एक चीज मैं आपको यहां से क्लियर करूंगा, सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे देश में जो सिटीजन होगा, जो इस देश का होगा, वो क्या बन सकता है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. क्योंकि ये काफी टॉप पोस्ट होती है, इसके लिए हम किसी ऐरे गैरे को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं. तो इसीलिए मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया. नंबर सेकंड क्या है इसमें आपको याद रखना है, ही शुड बी ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years. तो वो किसी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए कितने साल से, 5 साल से. ये है उसकी दूसरी कंडीशन, ये है उसकी दूसरी कंडीशन. क्या, किसी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए पिछले 5 सालों से, तब हम उसको क्या अपॉइंट कर सकते हैं, एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. या थर्ड पॉइंट क्या है, किसी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए 10 years से, कितने सालों से, 10 years. तो दीज आर द क्राइटेरिया, दीज आर द क्वालिफिकेशन किसके लिए, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करने के लिए. तो ये क्वालिफिकेशन थी, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही शुड बी जज ऑफ एनी हाई कोर्ट फॉर 5 years, और इसके बाद वो किसी हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहे 10 सालों से. और इसके बाद एक और पॉइंट आपको याद रखना, ही शुड बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट. जूरिस्ट हम किसको कहते हैं, दैट इज माहिर कानून जिसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, जूरिस्ट. वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए. तो दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं क्या, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस. ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है. तो नंबर इसके जो हमारा, इसके बाद जो हमारा पॉइंट है, दैट इज ऑथ एंड अफर्मेशन. उसको ऑथ कौन लेता है, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे याद रखना है. अगर मैं ऑथ की बात करूंगा तो ऑथ उसका लेता है कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कौन लेता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अपॉइंट भी वही और ऑथ भी वही. लेकिन एक चीज यहां पे याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट जो प्रोसीजर हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अप्लाई होता है, ऑलमोस्ट तकरीबन वही प्रोसीजर अप्लाई होता है हाई कोर्ट के जजेस को, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है. तो यहां पे एक डिफरेंस है, वो क्या है, अगर मैं बात करूंगा जो हाई कोर्ट जजेस है उनको भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन उनका ऑथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं लेता है. तो उनका ऑथ कौन लेता है, अगर मैं बात करूंगा तो हाईकोर्ट जजेस की, हाईकोर्ट जजेस को जो ऑथ लेता है वो लेता है कौन, गवर्नर. ये बात याद रखना यहां से, कौन लेता है हाईकोर्ट के जजेस का ऑथ, गवर्नर. लेकिन अगर मैं बात करूंगा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो उसका ऑथ कौन लेता है, प्रेसिडेंट. कौन, प्रेसिडेंट. तो इसके बाद यह है ऑथ. इसके बाद जो हम बात करेंगे जो इसका टेन्यूर है,
जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कब तक रह सकते हैं? जिस तरीके से हम पढ़ते हैं पिछले लेक्चर में, लोकसभा के मेंबर्स पांच से उनकी टर्म 5 साल है, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा उनकी टर्म 6 साल है, प्रेसिडेंट की 5 साल है, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। दीज जजेस आर अपॉइंटेड, ये अपॉइंटेड होते हैं टिल द रिटायरमेंट। ये ऐसे 5 साल, 4 साल, 6 साल के लिए नहीं होते हैं, ये कब तक होते हैं? टिल रिटायरमेंट। तो हम यहां पे बात कर सकते हैं जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो रिटायर होते हैं। कब? उनकी रिटायरमेंट एज क्या होती है? वो होती है 65 ईयर्स होती है उनकी रिटायरमेंट एज। तो यहां से याद रखना, अगर मैं हाई कोर्ट के जज की बात करूंगा तो हाई कोर्ट के जजेस की बात अगर मैं करूंगा उनकी जो रिटायरमेंट है वो है 62। सुप्रीम कोर्ट के 65 जज है रिटायरमेंट एज और हाई कोर्ट के जज को क्या है? 62 ईयर्स है उनको रिटायरमेंट एज। लेकिन जो हमारा अब आने वाला जो टॉपिक है इस जुडिशरी में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना रिमूवल ऑफ जजेस, ये काफी उंदा है। तो यहां से जब क्वेश्चन आता है, ये काफी डिफिकल्ट, जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या जजेस ऑफ हाई कोर्ट इनका रिमूवल ऑर्डर है ना, वो काफी डिफिकल्ट है, दैट इज नॉट इजी, वो काफी डिफिकल्ट है। तो रिमूवल ऑफ जजेस की बात अगर हम करेंगे ना, वो रिमूवल ऑफ जजेस कैसे होते हैं? रिमूव उनको रिमूव कौन कर सकता है? उनको रिमूव भी प्रेसिडेंट कर सकता है। लेकिन एक चीज याद रखना, ऐसे नहीं चलो आप जुडिशरी से हट जाओ, ऐसे नहीं, क्योंकि दीज जजेस आर इंडिपेंडेंट। हमारी जुडिशरी जो है ये है इंडिपेंडेंट। क्या है? हमारी जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट। इसलिए तो यहां के जो जजेस है वो ऐसे रिमूव नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए एक बड़ी प्रोसेस है, वो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना, हम जजेस को कब रिमूव कर सकते हैं, उनका ग्राउंड क्या है, किस बात पे हम जजेस को रिमूव कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक चीज आपको याद रखना है, एक तो है मिसबिहेवियर। क्या है? मिसबिहेवियर। और सेकंड क्या है? सेकंड है इनकैपेसिटी। ये दो चीजें आपको याद रखना है, एक है मिसबिहेवियर और सेकंड वन इज इनकैपेसिटी। इन दो ग्राउंड्स पे हम जज को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, हम जजेस को कैसे रिमूव कर सकते, उनका ग्राउंड क्या है? तो वहां पे क्वेश्चन ऐसे आया, मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखे हैं, जब हम जजेस को रिमूव करते हैं, पहला पॉइंट आया मिसबिहेवियर, सेकंड पॉइंट आया इनकैपेसिटी, और थर्ड पॉइंट आया वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और फोर्थ आया बोथ ए एंड बी। ये क्वेश्चन आया। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है। लेकिन आपको याद रखना है, जो हम पढ़ते हैं ना, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बोला है, हमें उसी चीज को याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला? ऑनली मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, वहां पे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात ही नहीं। तो अगर मैं बात करूंगा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसके लिए है? वो दैट इज मेंट फॉर द प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट हम उस बात पे क्या रिमूव कर सकते हैं, इंपीच कर सकते हैं। लेकिन जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ये हम खाली कब रिमूव कर सकते हैं? मिसबिहेव और इनकैपेसिटी पे। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये ग्राउंड है। लेकिन अब जो प्रोसेस है, कैसे हम इनको इंपीच कर सकते हैं, रिमूव कर सकते, सॉरी रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट कैसे कर सकते हैं, तो वो हम यहां पे पढ़ लेंगे। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूंगा फॉर एग्जाम्पल, ये जजेस एंक्वायरी एक्ट 1968 है। इस एक्ट में हमने सारा प्रोसीजर जान लिया, किस तरीके से हम जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कैसे रिमूव कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट, इसमें हम पढ़ेंगे। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोसीजर जो है इसमें लिखा है रिमूव रिलेटिंग रिमूवल ऑफ जजेस, ये प्रोसीजर क्या है मैं आपको यहां पर अच्छी तरीके से समझाऊंगा। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर पार्लियामेंट, ये हमारा लेजिस्लेचर जिसको आप पार्लियामेंट कहते हैं। क्या है? ये हमारा लेजिस्लेचर। एक तो मैंने बड़ा बनाया दैट इज लोकसभा, और एक तो छोटा बनाया दैट इज राज्यसभा। क्यों छोटा बनाया बड़ा बनाया? क्योंकि लोकसभा में आपको मालूम है इसमें 550 स्ट्रेंथ है, 543 मेंबर्स राइट नाउ है, तो ये बड़ा हो से इसमें इतने मेंबर्स नहीं होते हैं। देखो मसला क्या है, किस तरीके से हम जज को रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर लोकसभा ने नोटिस की, तो अगर लोकसभा ने नोटिस की तो इसमें लोकसभा को जरूरत है 100 मेंबर्स की। कितने मेंबर्स की? 100 मेंबर्स की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोकसभा ने नहीं की, राज्यसभा ने की, जिसको हम कहते हैं अपर हाउस,
अगर अपर हाउस ने की तो अपर हाउस की जरूरत है हमें, सॉरी अपर हाउस को हमें क्या जरूरत है यहां पे, सॉरी देखो दिस इज आवर पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा नीड्स 100 मेंबर्स नोट्स, 100 मेंबर नोट्स है इसमें। तो अगर मैं राज्यसभा की बात करूंगा तो इसकी नोटिस 50 मेंबर्स की जरूरत है। फॉर एग्जांपल अगर लोकसभा ने नोटिस की तो 100 मेंबर्स नीड है। फॉर एग्जांपल अगर राज्यसभा ने की, लोकसभा ने नहीं की, तो कितने मेंबर्स की जरूरत है? 50 मेंबर्स की। ओके, लेकिन फॉर एग्जांपल अब हम ऐसे समझे लोकसभा ने की, जब 100 मेंबर्स ने नोटिस की किसके खिलाफ? किसी जज के खिलाफ। किस बात पे? मिसबिहेव और इनकैपेसिटी पे। ओके, तो फिर इसके बाद वन मिनट, दैट इज लोकसभा राज्यसभा। यह है लोकसभा नीड्स 100 मेंबर्स और राज्यसभा नीड्स 50 मेंबर्स। तो इसके बाद लोकसभा में जब नोटिस हो गई तो इसके बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का, वो कौन होता है? वो होता है स्पीकर। तो जब स्पीकर के पास ये नोटिस आएगी तो स्पीकर के पास यहां पे पावर्स है, वो इस नोटिस को एडमिट भी कर सकते हैं, वो इस नोटिस को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर स्पीकर ने यहां पे इस नोटिस को एडमिट किया है, ओके फॉर एग्जांपल इसको एडमिट किया है, तो इसके बाद स्पीकर क्या बुलाएंगे? यहां पे एक कमिटी को बुलाया जाएगा। तो उस कमिटी को हम पॉलिटिकल साइंस में क्या कहते हैं? दैट इज कोलिजियम। क्या कहते हैं? कोलिजियम हम इसको कहते हैं। कोलिजियम में क्या होती है? ये एक कमिटी होती है, ये थ्री मेंबर्स बॉडी है। तो इसमें एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, और थर्ड वन कौन होता है? एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, यानी कि सीनियर कोई जूरिस्ट होना चाहिए इसमें। किसमें? इसमें कोई सीनियर जूरिस्ट होना चाहिए। तो थ्री मेंबर्स बॉडी बन गई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट और प्लस सीनियर जूरिस्ट। तो यहां पे फॉर एग्जांपल अगर कभी कुमार चीफ जस्टिस के खिलाफ ये नोटिस एडमिट हो गई, तो यहां पे आपको माय डियर स्टूडेंट्स याद रखना है, यहां पे कोई सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फिर होगा, उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा। ओके, तो इसके बाद फॉर एग्जांपल इस कोलिजियम, इस कमिटी ने अगर किसी इस जज को फाइंड किया है यस ही इज गिल्टी, तो इसका ग्राउंड है कोई मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, अगर यहां पे फाइंड आउट हो गया कहां पे? इस कोलिजियम के जरिए, इस कमिटी के जरिए, तो तब जाके फिर कहां पे जाएंगी वो? पार्लियामेंट में, हमारे लेजिस्लेचर में। तो पहले वहां पे लोकसभा उसको पास करेंगी विद स्पेशल मेजोरिटी, विद स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड ऑल्सो 50% मेजोरिटी प्लस 1 होनी चाहिए। तो यहां पे जब स्पेशल मेजोरिटी के जरिए, स्पेशल मेजोरिटी में पास होना चाहिए उसको, कहां से? लोकसभा में, स्पेशल मेजोरिटी, याद रखना, नॉट सिंपल मेजोरिटी, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ द जजेस, यहां पे उनकी इंडिपेंडेंस की बात है। मैंने पहले आप लोगों को बोला इसका जो प्रोसीजर है रिमूवल प्रोसीजर, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो अगर यहां पे लोकसभा ने पास किया बाय स्पेशल मेजोरिटी, उसके बाद कहां जाएगी? उसके बाद राज्यसभा में चली जाएगी। तो राज्यसभा में क्या होगा? राज्यसभा में भी उसी तरीके से उसको स्पेशल मेजोरिटी के जरिए पास करना है। तो जब राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी के जरिए पास होगा, कहां पे? राज्यसभा में। तो जिस दिन राज्यसभा में पास हो जाएगी उसी दिन प्रेसिडेंट रिमूवल ऑर्डर निकालेगा, किसके लिए? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए। तो आप लोगों ने देखी ये प्रोसेस कितनी लेंथी है और कितनी डिफिकल्ट है। तो इस प्रोसेस का जो सारा प्रोसीजर हमने समझ लिया है, देख लिया है, वो कब देख लिया है? वो हमने देख लिया है कब? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। ये पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये जो इसका प्रोसीजर, ये बाद में आया, कब? जिसमें जिसको हम कहते हैं जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। और सेकंड थिंग, जज रिमूव होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट। और ये जो सारी प्रोसेस आपने देखी, लोकसभा स्टार्ट हो गई, फिर वापस, फिर प्रेसिडेंट के पास, फिर फाइनल ऑर्डर कौन निकालता है? प्रेसिडेंट निकालता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोसीजर कॉमन है किसके लिए? आइदर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर द
हाई कोर्ट, ये दोनों के लिए एक ही प्रोसीजर कॉमन है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहां पे एक है, अभी तक इस हिस्ट्री में सिंस दैट इंडिपेंडेंस, सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से लेके, सिंस 1950 से अगर मैं बात करूंगा, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हो गया या जब से इंडियन जुडिशरी का सुप्रीम कोर्ट हमने एस्टैब्लिश किया है 28th of January 1950 को, माय डियर स्टूडेंट्स, तब से अभी तक आज 2024 में है, अभी तक कोई जज और चीफ जस्टिस रिमूव नहीं हुआ। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मैंने यहां पे एक नाम लिखा है, जस्टिस वी रामास्वामी, 1992 to 93, सॉरी डियर माय डियर स्टूडेंट, यहां पे 1992 है, 1992 और 93 है यहां पे। इस दौरा एक इस जज के खिलाफ, जस्टिस वी रामास्वामी के दौरा इसके खिलाफ क्या नोटिस दर्ज की गई है। लेकिन फाइनली वो कहां पे फेल हो गई, वो सारी प्रोसेस चल के लोकसभा में भी, स्पीकर ने भी एडमिट हो गई, कॉलेजियम में भी, लेकिन फाइनली यहां पे लोकसभा के मेंबर्स ने उस टाइम एब्सटेन किया है, तो वहां पे रुक गया। तो फिर इसीलिए हम कहते अभी तक कोई जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमोव नहीं हुआ है, तो दैट इज द रिमोवल प्रोसेस। तो आपने ग्राउंड याद रखा है, एक है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो रिमोवल है, माय डियर स्टूडेंट, इसको थोड़ा रिपीट करना है, इसको नोट डाउन करना है, और ये यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये है प्रोन एरिया जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रोसेस क्या है, इसको एक दो बार देख लेना माय स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, देखो माय स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लिसन, जैसे कि मैंने पहले से स्टार्ट किया, जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशियरी, ठीक है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने ये पढ़ा है जुडिशरी जो हमारी है दैट इज इंडिपेंडेंट। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, एक कॉमन सेंस है, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना यह काफी जरूरी है। जब हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तो तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड है। इसीलिए हम कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इसको हम कहते हैं गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको हम कहते हैं गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे प्रोटेक्ट हो सकता है, खाली किसे, सुप्रीम कोर्ट, जब हमारी जुडिशरी क्या होगी, इंडिपेंडेंट। तो उसी तरीके से जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ही इज इंडिपेंडेंट एंड ही इज फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा कोई और अथॉरिटी है ही नहीं हमारे देश में, तो इसका इंडिपेंडेंट होना काफी जरूरी है, तब जाके ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की प्रैक्टिस को, वर्क को, बिजनेस को चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे यूएस की, वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर है, प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस है, लेकिन यहां पे अगर सेपरेशन ऑफ पावर ऐसे नहीं दिखते हमें, लेकिन यहां पे जो जुडिशरी है दैट इज इंडिपेंडेंट, वो बाकी सारे ऑर्गन्स को क्या चेक करते हैं, उनकी प्रैक्टिस को चेक करती है। फॉर एग्जाम्पल लेक्चर कोई ऐसा लॉ बनाएगा तो ये इसको रिव्यू करती है, फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव कोई एक्शन ऐसे करे तो ये इसको चेक कर लेते हैं। तो यहां से हमें पता चलता है ये जो हमारी जुडिशरी, ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये इंडिपेंडेंट है, और इसका इंडिपेंडेंट होना काफी जरूरी है। इसीलिए ये जो जजेस अभी तक हमने पढ़ी इसकी रिमोट पर कितनी डिफिकल्ट है, बिकॉज दीज जजेस शुड बी इंडिपेंडेंट। नाउ द सेकंड थिंग इज, तो इंडिपेंडेंस चलो आपको समझ में आ चुका है थोड़ा बहुत, लेकिन याद रखना विदाउट दैट, अगर इंडिपेंडेंट नहीं होती तो हम ये नहीं कह सकते क्या यहां पे हम राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रोटेक्शन कहां से, वो जुडिशरी से, दैट इज सुप्रीम कोर्ट से। तो इसीलिए हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इज अ गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ तो ज्यूरिसडिक्शन की बात करेंगे हम, किसकी बात, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ज्यूरिसडिक्शंस हैं, लेकिन जो जुडिशरी हमारी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक मेंबर है जिसका नाम है अलादि कृष्ण स्वामी अहवर, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर रहा। इसने कहा वर्ल्ड में जितने भी सुप्रीम कोर्ट्स हैं, सबसे ज्यादा इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है, सबसे ज्यादा। किसने कहा, अलादि कृष्ण स्वामी अहवर। ये आपको याद रखना है, कभी भी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, किसने बोला हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये सबसे ज्यादा पावरफुल सुप्रीम कोर्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहां पे लिखा है सुप्रीम कोर्ट हैज मोर पावर देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन द वर्ल्ड। तो किसने कहा, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर। ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है।
तो यहां से हम जाएंगे किसके ऊपर बात करेंगे, ज्यूरिसडिक्शन की, किसके ऊपर, ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर बात करेंगे। आई होप अभी तक आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो यहां से भी फोकस करना, यहां से भी हम समझ लेंगे, क्योंकि ये जो हमने जुडिशरी पे जो लेक्चर फ्रेम आउट किया है यह है वन शॉट लेक्चर। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हम बात करेंगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की, जो पहला ज्यूरिसडिक्शन रहा किसका, हमारे सुप्रीम कोर्ट का। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं डिस्प्यूट सॉल्व। क्या क्या करते हैं, डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड वन स्टेट ऑन वन साइड एंड अदर स्टेट और अदर साइड, ठीक, डिस्प्यूट बिटवीन टू आर मोर स्टेट्स। देखो मैं समझाऊंगा यहां पे कैसे, और जो ज्यूरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का है, कभी कभार डिस्प्यूट होता है सेंटर और स्टेट के दरमियान, ओके, ये पहला आपको याद रखना है। कभी कभार सेंटर और सेंटर के साथ कुछ स्टेट्स होती है, इनको डिस्प्यूट होता है किसी और स्टेट के साथ या किसी और स्टेटों के साथ, ओके, दूसरी बात। और कभी होता है डिस्प्यूट बिटवीन टू आर मोर स्टेट, आपस में, वहां पे सेंटर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो ये जो तीन तरह के डिस्प्यूट्स है, इन तीन तरह के डिस्प्यूट्स को सॉल्व कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये आपको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, ये किस ज्यूरिसडिक्शन में आता है, ये आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। लेकिन यहां पे मैंने एक पॉइंट नोट किया है, एक्सक्लूसिव मैंने जो लिखा है, डिलिबरेटली जो मैंने एक्सक्लूसिव यहां पे लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। एक्सक्लूसिव मीन्स ये पावर और ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किसी और कोर्ट के पास नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करें इसके बाद रिट ज्यूरिसडिक्शन, वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है, लेकिन जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ये खाली सुप्रीम कोर्ट के पास है। जब खाली सुप्रीम कोर्ट के पास है तो इसका मतलब है ये एक्सक्लूसिव बन गया, दैट पावर हैज ओनली ओन बाय सुप्रीम कोर्ट, नॉट एनी अदर कोर्ट इन द कंट्री, ओके। नंबर सेकंड, दैट इज रिट ज्यूरिसडिक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन भी आते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन से। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, रिट ज्यूरिसडिक्शन क्या है, आप लोगों को, आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया, आप लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर पढ़ लिया है, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स, क्या, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाते हैं तो हम अप्रोच कहां करते हैं, तो हम अप्रोच कोर्ट करते हैं। देखो अगर विदाउट एनी फंडामेंटल राइट, अगर हमारा कोई राइट वायलेट हो गया विदाउट फंडामेंटल राइट, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया तो आइदर यू गो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यू हैव राइट। आप लोग फंडामेंटल एट द टाइम ऑफ वायलेशन, जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, अंडरस्टैंड। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, दे आर जस्टिसेबल। वो कैसे जस्टिसेबल बन सकते हैं, हम लोग अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट कैसे, आर्टिकल 32 से, आर्टिकल 32 से जो आपने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज में, वही पे वो सारी की सारी रिट्स लिखी है, जैसे कि हैबस कॉर्पस है, मैंडमस है, प्रोविशन है, सेरिटोरियो है, कोहेवरेंटो है, ये जो पांच रिट जो हमारे पास है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट को जाते हैं तो किस आर्टिकल से, आर्टिकल 32 से। बट जब हम हाई कोर्ट को जाते हैं, जब हम हाई कोर्ट का अप्रोच करते हैं तो हाई कोर्ट को हम जाते हैं 226 आर्टिकल से हम हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं। अभी तक समझ में आ गया। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो रिट ज्यूरिसडिक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों नहीं है, अभी आपने देख लिया है सुप्रीम कोर्ट भी इश्यू रिट्स कर सकते हैं और हाई कोर्ट भी इश्यू रिट्स कर सकते हैं, तो दोनों कोर्ट्स कर सकते हैं, तो एक्सक्लूसिव नहीं बन गया। लेकिन मैंने यहां पे एक पॉइंट लिखा है, दैट इज वाइडर। ये वाइडर किसके पास रहता है, हाई कोर्ट के पास वाइडर रहता है। अगर हम रिट ज्यूरिसडिक्शन, अगर हम रिट ज्यूरिसडिक्शन देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का भी और हाई कोर्ट का भी, क्या देखेंगे, रिट ज्यूरिसडिक्शन किसका, सुप्रीम कोर्ट का भी और हाई कोर्ट का भी, तो ये हाई कोर्ट के पास ज्यादा है। फॉर एग्जांपल,
सुप्रीम कोर्ट इश्यू रिट कर सकता है ऑनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. किसके लिए? ऑनली फॉर फंडामेंटल राइट्स. लेकिन हाईकोर्ट इश्यू रिट इश्यू कर सकता है नॉट ऑनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट बट एनी अदर राइट्स ऑल्सो, बाकी राइट्स के लिए. इसीलिए हम यहां पे कहते हैं जो रिट ज्यूरिडिक्शन है हमारे हाईकोर्ट का वो है वाइडर एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो अक्सर हमें लगता है सुप्रीम कोर्ट के पास ये ज्यादा रहेगा, लेकिन ये एक्सेप्शन बन गई है इस टॉपिक में, इस लेक्चर में. तो ये किसके पास रहता है? हाईकोर्ट के पास वाइडर रहता है. क्या? रिट ज्यूरिडिक्शन. ओके, नाउ द थर्ड इज एपिलेट ज्यूरिडिक्शन. देखो एपिलेट ज्यूरिडिक्शन क्या होती है, आप लोगों को मालूम है सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ द अपील. फाइनल कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील. इससे हाईएस्ट कोई भी नहीं. फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई मसला हो गया, हम किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए, वहां पे अगर सालों नहीं हो, वहां पे अगर हमारे खिलाफ केस डिसीजन आए तो हम कहां जाते हैं? हम जाते हैं हाईकोर्ट. लेकिन हाईकोर्ट में भी हम सेटिस्फाई नहीं हो, हम जाते हैं कहां पे? सुप्रीम कोर्ट. लेकिन माय डियर स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो हमें एक्सेप्ट करना है. क्यों? ही इज द फाइनल डिसीजन. यहां से हमें फाइनल डिसीजन मिलता है. तो ये जो हाईकोर्ट जितनी भी है ये अपील करते हैं किसको? सुप्रीम कोर्ट को. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई केस सालू नहीं हुआ किसी हाई कोर्ट में, तो ये केसेस फिर वाया अपील कहां जाते हैं? ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में. जैसे कि सुप्रीम कोर्ट प्राइमरी कोर्ट ऑफ अपील, अगर हम इसको देखेंगे ये कोर्ट ऑफ अपील है, बाकी सारे कोर्ट इसी कोर्ट को अपील करते हैं बिकॉज इज अ फाइनल कोर्ट ऑफ अपील. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यही है, ही इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील. तो इसका मतलब है जितने भी हाईकोर्ट हमारे इंडिया में है राइट नाउ 25 हाईकोर्ट, अगर उनका कोई भी मसला है वो किसको अपील करते हैं? वो आपस में अपील नहीं करते, वो अपील करते हैं किसको? सुप्रीम कोर्ट को. तो जो सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आता है दैट इज फाइन. दूसरी बात, हियर इज अपील अगेंस्ट जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट. ये अपील सुनती है, जो जजमेंट आया ना लोअर कोर्ट से वो उनकी अपील सुनती है. क्यों? सुप्रीम कोर्ट का फाइनल इंटरप्रेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसकी जो इंटरप्रिटेशन वो फाइनल होती है. कभी कभार हाई कोर्ट की मिस इंटरप्रेट हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशन है वो है फाइनल इंटरप्रिटेशन होती है. लेकिन हम किन किन केस में अपील कर सकते हैं, याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपील कर सकते हैं यहां पर इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स. अपील कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं? अपील किसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, मैटर्स में हम अपील कर सकते हैं. लेकिन एक चीज यहां पे याद रखें हमारे स्टूडेंट्स, जब कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कोई अपील हो जाएगी तो उसका जो बेंच बैठेगा उसके लिए 5 जजेस का बेंच बैठता है. कितने मेंबर्स का? 5 मेंबर्स. जज 5 जजेस उस बेंच पे बैठते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स कोई भी अपील आती है, कोई भी मसला जब होता है. अभी तक अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे, जब से आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से अभी तक सबसे ज्यादा अपील, सबसे ज्यादा जो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया है किस कॉन्स्टिट्यूशन पे, सबसे ज्यादा डिस्कस किया है आर्टिकल 21 पे. इस पे सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया है अभी तक किसने? सुप्रीम कोर्ट ने. और नंबर सेकंड क्या है यहां पे? अपील इन सिविल मैटर्स. पहले क्या है? इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के बारे में. नंबर सेकंड क्या है? सिविल मैटर, जो सिविल केस के रिलेटेड है उसके अपील भी सुन लेते हैं कौन? सुप्रीम कोर्ट. और उसके बाद इन क्रिमिनल मैटर्स. क्या है? इन क्रिमिनल मैटर्स, ये याद रखना है आपको, क्रिमिनल मैटर्स रिलेटेड. और इसके बाद स्पेशल लीव. इसके बाद क्या है? स्पेशल लीव. यहां पे जो मैंने ये जो 4 मेंशन किए हैं किस किस टाइप की वो अपील सुनता है, वो इसमें पहले आपको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स रिलेटेड, नंबर सेकंड सिविल मैटर्स, नंबर थर्ड क्रिमिनल मैटर्स, और नंबर फोर्थ स्पेशल लीव. ये 4 एंगल की अपील कौन सुनता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है. तो ये सुप्रीम कोर्ट जो हमारे इंडिया, इसका बेंच कहां पे है? इसका बेंच दिल्ली में है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट ज्यूरिडिक्शन, दैट इज एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन. बहुत अच्छा है, काफी बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं. देखो माय डियर स्टूडेंट, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 143 में. ओके, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन क्या है? यहां से प्रेसिडेंट एडवाइस देता है कहां से? किससे? सुप्रीम कोर्ट से. प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, वो क्या एडवाइस देगा? कहां से? सुप्रीम कोर्ट से. लेकिन वो एडवाइस 2 टाइप की होती है, याद रखना. फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है जो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है इसको हम कहते हैं कंसोलिटिव ज्यूरिडिक्शन. क्या कहते हैं इसको? इस एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन को हम कहते हैं कंसोलिटिव ज्यूरिडिक्शन. कभी एग्जाम में कंसोलिटिव ज्यूरिडिक्शन मींस दैट इज एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन. देखो यहां पे जो प्रेसिडेंट एडवाइस मांगती है किनसे?
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास क्या है? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, वो एडवाइस दे सकते हैं। लेकिन कितने टाइप की? दो टाइप्स की। एक है ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, कि भी पब्लिक इंपॉर्टेंस कोई मसला है उस पे, उसको लगता है फलानी जगह पे कुछ मसला हो रहा है, हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो प्रेसिडेंट क्या मांगेंगे? एडवाइस। किन से? सुप्रीम कोर्ट से। वो जो पब्लिक इंपॉर्टेंस है वो हैज अराइजन, या वो अराइज हो गई, या उनको लगता है ये अराइज होने वाली है। दो कंडीशंस में आपको याद रखना है, या वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो मसला है वो अराइज हो गया या होने वाला है, तो वहां पे प्रेसिडेंट एडवाइस किनसे मांगे? सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन एक चीज याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, जब इस पॉइंट पे एडवाइस प्रेसिडेंट मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है, वो दे सकता भी है नहीं भी दे सकता है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है। लेकिन नंबर सेकंड पॉइंट जो है ये है काफी इंपॉर्टेंट, अगर यहां से जब क्वेश्चन आता है तो इंसान फंस जाता है, तो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स याद रखना, यहां से जो डिस्प्यूट अराइज होता है आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो कुछ ट्रीटीज एग्रीमेंट्स हो गए हैं, अगर उन पे कोई मसला है, तो उस टाइम अगर प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगी किससे? सुप्रीम कोर्ट से, तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी है, उस टाइम वो रिफ्यूज नहीं कर सकते। पहले केस में वो रिफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन सेकंड केस में सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकते। तो इसमें आपको याद रहे, ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 143 में। और इसके बाद है लास्ट वन, ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ये क्या है? जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यहां पे हम बात करते हैं तो जो जजमेंट होता है, प्रोसीडिंग्स होती है, एक्ट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये सब कुछ रिकॉर्ड होते हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, जो भी उसकी प्रोसीडिंग्स होती है, जो भी उसके एक्ट्स होते हैं, वो सब जाके रिकॉर्ड हो जाते हैं। क्यों? ये जो रिकॉर्ड होते हैं, कभी कभार सुप्रीम कोर्ट अपना ही डिसीजन चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गुरुनाथ केस में जो डिसीजन दिया, तो वो डिसीजन उसने बाद में किशोरानंद भारती केस में नहीं दिया, कभी वो अपने डिसीजन को फिर बदला देते हैं किसी दूसरे केस में। लेकिन इसमें हमने पहले ही कहा कि जुडिशरी के पास इंडिपेंडेंस है, कोई इस बात पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। लेकिन अगर यहां पे किसी ने क्वेश्चन किया है, किसके ऊपर उंगली उठाई? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो वो किस चीज में आता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब कोई करता है तो उसको पुनिशमेंट मिलता है। तो जब पुनिशमेंट मिल जाएगा, तो या तो उसको 2000 रुपए का जुर्माना होता है, या उसको 6 मंथ्स का जेल होना पड़ता है। कहां पे? जब कोई बंदा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, क्या 2000 फाइन पड़ते हैं या 6 महीने क्या जेल जाते हैं। अगर किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, तो कोर्ट की खिलाफ वर्जी कोई नहीं कर सकता है, बिकॉज इज अ फाइनल कोर्ट ऑफ अपील एंड ऑल्सो इज दिस ही हैज इंडिपेंडेंट, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, इवन की पार्लियामेंट में रिमोल के बगैर और एक्सटेंशन ऑफ ज्यूरिशन के बगैर पार्लियामेंट में भी मना है, अगर उन लोगों ने जजेस के बारे में वहां पे डिस्कस किया है। जजेस पे डिस्कस करना पार्लियामेंट में मना है, एक्सेप्ट कुछ कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल, जब ज्यूरिशन एक्सटेंड करना है, जब रिमोल ऑफ जज करनी है, तो वो कुछ एक्सेप्शंस है, बाकी हम जजेस के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज वो आते हैं किसमें? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। तो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, देखो माय डियर स्टूडेंट, जो ये जुडिशियल रिव्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से आपको याद रखना है जुडिशियल रिव्यू कहां से लाया। जुडिशियल रिव्यू हमने यूएस से लाया, लेकिन एक चीज है, हमारा जुडिशियल रिव्यू उतना वाइड नहीं है जितना जुडिशियल रिव्यू यूएस के पास है। तो हमारा उतना वाइड नहीं है, क्योंकि मसला क्या है? हमारा वाइड क्यों नहीं, उनका वाइड क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो है दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, लेकिन जो उनके पास है वो क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर मैं इंडिया की बात करूंगा, इंडिया में ये इतना वाइडर नहीं है, बिकॉज इन इंडिया देयर इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर मैं यूएस की बात करूंगा, तो यूएस में क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इस कारण की वजह से ये बनता है वहां पे वाइडर, जो हमारे देश में ये इतना वाइडर नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आ चुका है। देखो जुडिशियल रिव्यू कहां पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी लेजिस्लेचर है, क्या है हमारी लेजिस्लेचर, या हमारा एग्जीक्यूटिव जो है, हमारे लेजिस्लेचर कोई कानून बनाया,
तो इसका मतलब ये नहीं है ये फाइनल है, इसका रिव्यू जाता है कहां पे, जुडिशियरी में। कहां पे? ये जुडिशियरी में जाके रिव्यू इसका होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारी जुडिशियरी, इसने कोई कानून बनाया, ये यहां पे रिव्यू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारी जुडिशियरी को लगा इसने कोई राइट, फंडामेंटल राइट हमारा कोई वायलेट किया है इस कानून ने, तो हमारी जुडिशियरी डिक्लेयर करती है दिस लॉ इज नल एंड वॉइड। क्या डिक्लेयर कर सकती है? ये डिक्लेयर कर सकती है ये है नल एंड वॉइड, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या कह सकती है? ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। कौन सा पावर? दैट इज जुडिशियल रिव्यू। ये रिव्यू ले सकता है, जो काम करेगा कौन, चाहे लेजिस्लेचर की काम है उसको भी रिव्यू कर सकते हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव की कोई एक्शन होगी उसको भी रिव्यू कर सकता है, तब जाके हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड हो सकता है। अदरवाइज अगर इसके पास रिव्यू करने के पावर्स नहीं होंगे तो समझ नहीं आता ये क्या क्या लॉ बनाएंगे फिर बाद में। लेकिन इनको मालूम है हमें ऐसा ही कोई कानून बनाना है कहीं से वायलेशन ना हो जाए, क्योंकि अगर वायलेशन हो गई कल तो जो ये जुडिशियरी जब इसकी इस केस की इस लॉ की रिव्यू करेगा तो हमें ये लॉ डिक्लेयर क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो एग्जीक्यूटिव को भी मालूम है नहीं हमें वो एक्शन करनी है जो एक्शन लीगल होगी। हम कोई इलीगल एक्शन नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते हैं। अगर हमने अपनी मर्जी चलाई तो जुडिशियरी क्या वहीं पे हमें चेक कर लेगी। तो ये क्या है? दैट इज जुडिशियल रिव्यू। तो ये जुडिशियल रिव्यू किसके लिए है? टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूटी ऑफ लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो मैंने आपको कहा पावर टू डिक्लेयर नल एंड वॉइड, ये इसके पास पावर है। ये किसी कानून भी कह सकते हैं अगर उसने वायलेशन कुछ की वो लॉ अगर सही नहीं है तो उसको ये डिक्लेयर कर सकते हैं नल एंड वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसके बाद है अदर पावर्स। हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ और भी पावर्स है, वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल कल हमें प्रेसिडेंट इलेक्शन या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो गया, किसमें? फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन इसमें कोई डिस्प्यूट हुआ, इसमें क्या हुआ? कोई डिस्प्यूट हुआ इसमें प्रेसिडेंट इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में। ये कौन सॉल्व करेगा? ये सॉल्व हमें लगता है शायद इलेक्शन कमीशन करेगा। नहीं, इसका जो सॉल्व करेगा नो डाउट कंसल्ट वो हो जाएगा, लेकिन डिसीजन कौन देगा इस डिस्प्यूट को? जो सॉल्व करेगा वो कौन करेगा? वो करेगा सुप्रीम कोर्ट। कौन? चाहे फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट के इलेक्शन में या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमें अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो उस अराइज को सॉल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, इसके बाद जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नो डाउट वो भी काफी उनका पावर भी काफी ज्यादा रहता है, लेकिन उनकी इंक्वायरी, उनका जो कंडक्ट और बिहेवियर उसको देखता है वो कौन देखता है? वो देखता है सुप्रीम कोर्ट। कहीं मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई मसला तो नहीं हुआ है, तो यहां पे ये देख लेंगे कौन? ये देख लेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उनकी इंक्वायरी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। किनकी? जो मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनके कंडक्ट और उनके बिहेवियर के बारे में। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास और पावर ये है, इट हैज पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। ये अपने जजमेंट्स को रिव्यू कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा गोलनाथ केस में कुछ और बोला और किशोर भारती में कुछ और बोला नाउ दिस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हो सकता है, उससे पहले कुछ और ही बोल रहे थे। तो इसका मतलब है ये अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं।